हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो वैसे सारा साफ़ सफाई का काम हो गया है और अब करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी। पूजा वगैरह कर लिया मैंने, अब बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी आज मैं आलू के पराठे, तो अब जाके बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सब कैसे बताते हैं। तो चलो मैं जाके बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ आज तो, क्योंकि अभी कोई उठा भी नहीं है। फिर इसलिए मैं आके यहाँ पे बैठ गई थी, आप सबका वेट कर रही हूँ कब सब उठेंगे, तब मैं स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मैंने आलू वगैरह सब चीज़ तैयार करके रख रखी है, अब जाके बस बनाऊँगी। और यहाँ पे धुल रहे हैं हमारे कपड़े, दो दिन से मशीन नहीं लगी थी, आज मशीन लगाई है और ये धुले हुए रखे हैं। अब इनको बस सुखाना बाकी है, अभी ये भी चल रही है, इसमें भी हैं कपड़े। दीदी सुखाने के लिए बाहर गई हुई हैं, यहाँ पे दीदी कपड़े सुखा रही हैं। गर्मी लग रही है दीदी? हाँ बनाएंगे, आ रही हूँ बनाऊंगी। दीदी गर्मी लग रही है ना? अभी क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, सुबह सुबह ही धोने लग गए ना आप कपड़े। भूख तो ना लग रही? पराठे बना रही हूँ मैं, खा लोगी ना? अब तो आपके छाले ठीक हैं? कम ठीक है, चटपटा खाओगे ना तभी ठीक होंगे। चलो सुखा लो, मैं बना लेती हूँ फिर जल्दी, फिर खा लेना आप। आलू के पराठे बना रही हूँ। ये मैंने प्याज और हरी मिर्च कट करके रख ली है और आटा लगा के रख लिया है, तो सब बनाने की देरी है, पहले पिट्ठी बनाऊँगी। ये वाला चक्कू गाइस, मैं हमेशा मैं इसे यूज़ करती हूँ। मम्मी जी भी डांटती हैं मुझे, पापा जी भी डांटते हैं कि ये लग जाएगा कहीं, इतना बड़ा यूज़ करते हैं। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं फटाफट बना लेती हूँ आलू की पिट्ठी और फिर बनाऊँगी पराठे। यहाँ बनने लगे हैं गोल गोल पराठे, बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये चटपटी पिट्ठी बना रखी है और मैं इनको ना ऐसे थोड़े रेड रेड करके सेकती हूँ, मुझे तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत देर तक सेकती हूँ। नीचे के कपड़े सुखा के आई थी पहले, तो अब यहाँ के सुखा रही हैं नहा के। नीचे जगह नहीं थी, सारी सारे ये तार बोलते हैं ना इनको, सबको सारे भरे हुए हैं। अब ये बच रहे हैं तो इनको बेड सीटों को यहाँ पे लगाएंगी सुखा के। आराम आराम से सुखा लो, गिर मत जाइयो। आज तो दीदी टिप टॉप हो रही है। और क्या दीदी, आप जितने बाल करा लूँ ना मैं, करा ले, करवा दो। मैं इतना मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ये यहाँ क्यों सुखा दिया? अब तो सूख गया, डाल दे। दीदी देख लो मुंह बना रहे हैं। दीदी हमारे देखिए पेड़ सारे सूख गए धूप की वजह से। अरे इसमें वो पेड़ हो रहा है, मुझे लगा किसका है, घिया का। हाँ दीदी लगा रही है अपनी चारपाई, क्योंकि दीदी को आज यहीं पे सोना है, दीदी का मन नहीं लग रहा नीचे। आज मैं सोऊंगी, ये बोल रही है आज मैं तेरे पास ही सोऊंगी। और कितनी सुंदर बेड शीट बिछाई है, इतनी सुंदर मेरी भी नहीं लग रही, इतनी सुंदर बिछा रखी है। मैं मस्ती करोगे आज? आज तो आज मुझे लगा पूरे पूरे दिन ना सोने बिना दोगी ना सोना। उस दिन वाली मस्ती जैसे उस दिन की थी एक बार रात में। आज एक साथ ही सोऊंगा एक रूम में। देखो महारानी कैसे बैठी, क्या चलाओ, क्या बोल रहे थे? एसी चलाओ, एसी चलाओ और पंखा चलाओ, ये बोल रही है। अभी तो नहा के इतनी जल्दी गर्मी लगने लग गई। एक इधर खाने लग रही है और एक एक इधर दूध पी रही है। खाए ना? है? मजा ना? क्या खाएगी? इतनी मुश्किल में तो आई है ये, खाती रहती है, खाती रहती है ये। दीदी खाने की चीज तो खाई जानी, ये आप खाना रही आप पी रही हो। बादाम शेक दीदी अपनी वो बना रही है, सेहत बना रही है दूध पी के। मैं
तेरे तो जामुन जुमुन खाती रहती है। मैं ऐसी चीज है ना गंदी सी, और दीदी अच्छी चीज खाती है जब मैं तो हेल्थी हूँ। मतलब तुम कुछ ना मोटा खा। मैं कुछ नहीं खाता। आप खाओगे? मैं कुछ नहीं खाता। क्यों? आम खा के आए हो ठीक, और हमने आम खाया नहीं। सब कुछ खाती है तुम। खाने देते हो आम? और क्या, जब मना कर रखे है तो सब चीज चलती है तेरे। जामुन तो मिल ही जाए। अरे कुछ के सब चीज चलती है। अपने कपड़े देख रही है, ऑर्डर कर रही है ये बैठी बैठी यहाँ पे। कपड़े मंगाएंगी, इनके कपड़े होश नहीं लेते। दिखा क्या मंगा रही है, दिखा ये अच्छा लग रहा है पहले वाला ब्लैक वालों। वहां पहुंच गई इसके देखने के लिए इसके कपड़े अब यहाँ बैठ, एक जगह ना बैठे, एक बैठना जा, एक जगह ना बैठा जाए। जब आपने बुलाया था देख मेरे कपड़े, देख मेरे कपड़े, ये देख क्या कपड़े देखे, ये बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मंगा ले तो। मंगाओ ब्लैक वाले, ये देख एक बार दिखा कर इनको ब्लैक वाले को। तो मेरे को क्या दिखाओगे, मंगाने तो मंगा लो। तो आप भी देख लो ना, ये और कलर अच्छा लग रहा है वैसे। कियो दिखा मुझे, ये अच्छे दिखा, दिखा ये वाला। ए बेकार है, तंत बेकार है, इसको पी लो, इसके ऊपर डाल दो मैं ना पी रही, मैं पहले मैं जामुन का टेस्ट कर लूं तो हो जाएगा तो मैं पानी पीऊंगी, लेकिन ये जामुन को मन कर रहा है इसलिए ऐसे खा लो कोई बात नहीं। अभी ना पीऊं मैं, उनको दे दो वो पी लेंगे। मैं ना पीऊं क्यों, इसकी ड्यूटी है। बना रही हूँ आमी की सब्जी, तो मैंने ये सब्जी तो छोंक दी है और ये गुड़ फोड़ के रख रखा है, क्योंकि मैं चीनी तो डालती हूँ इसमें, मीठी सब्जी बनती है ना आमी की, और साथ ही साथ ये वाला गुड़ भी डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये टेस्टी लगे। ये सब्जी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है तभी टेस्टी लगती है, चीनी से इतना वो नहीं आ पाता जितना कि गुड़ के साथ आ जाता है। थोड़ा सा गुड़ ज़रूरी होता है डालना। ये तो सबके लिए सब्जी बन रही है, और ये जो सब्जी बनेगी तोरई की, ये बनेगी मेरे लिए क्योंकि डॉक्टर ने मेरे लिए इस वाली सब्जी के लिए मना कर रखी है, तो मैं इस वाली सब्जी को खाऊंगी। तो मैं फटाफट अपनी सब्जी को बना लेती हूँ। आज बहुत दिन में इतनी ज़्यादा दीदी ने खुशामद करी है, तब जाके गोल गप्पे लेके आए हैं, मना कर रहे थे। अब मैंने निकाल के तो रख लिए, अभी मैं इनमें ये आलू वगैरह भरूँगी, और पानी मैंने इसमें निकाल के रख लिया है। मैं फटाफट इनको सबको लगा लेती हूँ जिससे सुंदर से लगे। दीदी को देखो कैसे खा रही है, मिर्च लगे इनके ना बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे, तो इसलिए हमने गोल गप्पे मंगाए क्योंकि ठीक हो जाए ना। मीठी मीठी चीज खा के ज्यादा हुए हैं, और तभी मैं इनसे बोल रही थी मीठी चीज मत खाओ मत खाओ, चटपटी खा लो तभी ठीक हो जाते। अब खा रही हूँ, मिर्ची लग रही है ज्यादा अच्छे हैं। सारा काम हो गया, मैं काम के फ्री हो गई हूँ, सबने खाना वगैरह खा लिया है और मैं नहा के आ गई हूँ। दोबारा नहाई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इनकी, ये है रोटी खाने का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, फिर मैं नहाई हूँ उसके बाद ही खाना खाया है। अब जाके सब फ्री हुए हैं अपना खाना पीना खा के, तो वैसे सारा काम हो गया। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑन करें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। तो सभी को बाय बाय।